Assalamualaikum, welcome to my channel Irfan Chaudhry Talk. I am Irfan Chaudhry. These four words are very important in our life. Which words? Honest, respect. Truth, love. If you want to change your life, just follow these words. Your life changes easily. देखिए यार अगर आप सच्चे हैं लोग आपसे मोहब्बत करेंगे प्यार करेंगे लव करेंगे अगर आप ईमानदार हैं लोग आपकी इज्जत करेंगे आपके बात बेईमानी नहीं है अब जो आप अपने बोलो करार में सच्चे हैं आप जो बात करते हैं उसमें सच्चे हैं लोग आपकी इज्जत करेंगे देखिए मैं चाहता हूँ यार मेरे साथ जो भी बंदा बात कर रहा हो डील कर रहा हो ना बहुत ईमानदार हो मैं खुद बेईमान हूँ दूसरा ईमानदार मेरे साथ कैसे बात करेगा मैं चाहता हूँ कि यार मैं जिसके साथ ना लेन देन करूँ ना पैसों की यार इतना सच्चा ना तो जो मुझे जुबान दे देना बिल्कुल सही हो मैं खुद ही बेईमान हूँ तो मुझे ईमानदार कहाँ से मिलेगा देखिए जो ये 30 जस्ट ये चार वर्ड्स जिस बंदे के अंदर आ जाते हैं वो क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है इंसानियत की तरफ चले जाते हैं वो इंसान को हर बंदा पसंद करता है अल्लाह ताला की जात में से पसंद नहीं करती बताएं जब उसके बंदे से पसंद कर रहे हैं जब हम अल्लाह ताला के बंदों के अच्छा बिहेव करेंगे तो अल्लाह ताला के साथ हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगी कनेक्ट है ना सिंपल सी बात है ना कॉन्सेप्ट समझने की हमें जरूरत है देखिए हम चाहते हैं यार हमारे साथ जो भी बंदा हम डीलिंग कर रहे हैं मैं किसी के साथ भी डीलिंग कर रहा हूँ थोड़ी अच्छी डीलिंग हो मेरे जो रिश्तेदार है वो बड़े अच्छे हों मेरे साथ मैं 10 साल बाद भी घर आऊँ तो मेरा घर वैसे का वैसा ही रहे एक बर्तन भी इधर से इधर ना हो कोई एक चाबी भी इधर से इधर ना हो ठीक है ना हम खुद कैसे हैं हमें ये खुद पता है कभी हमने कभी खुद अपने आप को आजमाया है हम चाहते हैं कि आप बड़े खुश हो रहे होते हैं और आप 1000 बैठे तो आप 10 दिन भी बैठ के ना दूसरों के खिलाफ बातें सोचते रहें आप सोचते रहेंगे आप मुतमईन रहेंगे कभी अपने खिलाफ खुद सोचे कभी अपने खिलाफ बातें सुनने की हिम्मत अपने अंदर पैदा की है जो इंसान अपने अंदर ही ये बात सोच पैदा कर लेता है कि यार मैंने अपनी बुराइयों को ख़त्म करना है ठीक है ना जो इंसान जो उसके खिलाफ तनकीद कर रहे होते हैं बोल रहे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि क्यों बोल रहे हैं बातें मैंने अपने अंदर ख़त्म करनी है वो क्वालिटीज उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है फिर सीखना शुरू हो जाते हैं वो इंसान बुढ़ापे तक जाते हुए क्यों सीख रहा होता है इस वजह से तो सीख रहा होता है इंसान का पूरा इलम कभी भी नहीं आ सकता उसके लिए हमें सीखना पड़ता है स्टेप बाई स्टेप जाना पड़ता है बाबा बुल्ले शाह साहब ऐसे तो नहीं ना कहते ना फिर चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई मेरी जात पूछे ना कोई मेनू मन्ने हाय 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 ना कोई साड़ी जात पूछे ना कोई सानू मन्ने क्यों हमें क्यों प्रूफ करने की जरूरत है लोगों के साथ जब हमें पता है कि हमारा हमारे रब के साथ अच्छा ताल्लुक है जब आपका अपने रब के साथ अच्छा ताल्लुक है तो आपका फिर उनके बंदों के साथ भी अच्छा ताल्लुक हो जाएगा आपका अपनी बीवी के साथ अच्छा ताल्लुक हो जाएगा आपका अपने बेटों के साथ अच्छा ताल्लुक हो जाएगा ठीक है ना बड़ा अच्छा स्टेटस लगा हुआ था आज मैंने देखा पोस्टर वगैरह भी आ रही होती है मैंने एक दो दफा पहले भी देखा था शेयर नहीं कर सका कहते हैं कि यार अपनी औलाद के लिए हराम ना कमाओ अगर वो इतनी काबिल हुई अपने लिए खुद कमा लेगी तो वो इतनी काबिल ना हुई तो आपका कमाया हुआ भी जाया कर देगी देख लें बिल्कुल सही बात है यार ये अदब वाले ही जानते हैं अदब वालों का मुकाम खैर बंदा नहीं जानता क्योंकि अदब वालों की महफिलों में बैठ के अदब वालों के साथ बात करना जानते हैं अदब वालों के साथ बैठ के उनके साथ लेन देन करना जानते हैं एक बदमाश या एक वो बंदा जो आपकी महफिल में बैठ के कम्फर्टेबल ही फील कर रहा क्योंकि वो आपकी महफिल के काबिल ही नहीं है वो आपसे बातचीत ही नहीं करना चाहता वो आपको समझना ही नहीं चाहता वो आपसे कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहता वो ये बात क्योंकि अपने आप को वो चेंज नहीं करना चाहता वो चेंज नहीं लाना चाहता वो जैसा है वैसे का वैसा रहना चाहता है ये बंदा कभी तरक्की नहीं कर सकता कभी लिंक नहीं अपने बढ़ा सकता कभी कुछ अच्छा न्यू नहीं कर सकता कभी कुछ सीख नहीं सकता कभी किसी को सिखा नहीं सकता क्योंकि वो चेंज ही नहीं होना चाहता यार वो चेंज नहीं कि बेकार हो जाए या अपने लेवल से नीचे आ जाए बल्कि अपने लेवल से ऊपर जाए अच्छे लोगों की महफिलों में बैठ के बुजुर्गों की महफिलों में बैठ के बुजुर्गों की बातें सीखें जो अपना काम सीख रहा है उसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें बच्चे क्यों इतनी जल्दी यार कर जाते हैं बच्चे क्यों देखिए जो बच्चे का माइंडसेट बचपन से बन जाता है वो उसका माइंड जल्दी वो पिक करना शुरू हो जाता है बचपन से क्योंकि अपने दिमाग को यूज़ कर रहा होता है सीख रहा होता है या रट्टा लगा रहा होता है कॉन्सेप्ट लेके चल रहा होता है बच्चा सीखना शुरू हो जाता है ये चीज़ें होती हैं
कोशिश करें ये चार जो चीजें बताइए ना, उन चार चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर लेके जाए, बाकी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। मैग्नेट बना ले अपनी जिंदगी को, मैग्नेट, मैग्नेट समझते हैं ना, मैग्नेट क्या होता है? देखिए मैग्नेट लोहा खुद ब खुद आके जुड़ना शुरू हो जाता है मैग्नेट के साथ। हम अच्छे मैग्नेट बनेंगे, मैग्नेट भी तो बनना है लेकिन अच्छे मैग्नेट बनेंगे जिसका फायदा हो दुनिया को, हमें फायदा हो और हमारे साथ वो लोग जुड़े जो अच्छे लोग हैं, हमारे साथ हमारे माइंड में वो सोचे हैं जो पॉजिटिव सोचे हों, हमारे दिमाग में वो ख्याल आते हैं जो हम इम्प्लीमेंट करें, हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करें, हम अपने बच्चों को बताएं, अपने भाइयों दोस्तों को यारों दोस्तों को बताएं, वर्क तो करें ना इस चीज़ के बारे में ना, फिर ही मज़ा है ना। इस तरह तो नहीं ना ये हो सकता, मैग्नेट कैसे बना जाता है? पहले मैग्नेट बना जाएगा फिर आगे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जिस टाइप का मैग्नेट हम बनेंगे उस टाइप के लोग जुड़ेंगे, बुरा बनेंगे बुरे लोग जुड़ेंगे, अच्छा बनेंगे अच्छे लोग जुड़ेंगे। यार इसी यही बात है यार, अपनी सोच को ब्रॉड करो इस सेंस में कि यार कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ बताना है बस, ये गलत सोचे नहीं, गलत लोगों के बारे में नहीं, ज़्यादा इस चीज़ के बारे में वर्किंग करें। आखिर में अल्लाह तआला के साथ हमें अल्लाह तआला से हज़रत मोहम्मद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।